नमस्कार। अभी कुछ समय पहले इस्कॉन के प्रसिद्ध संत संत अमोघ लीला दास ने स्वामी विवेकानंद के ऊपर कुछ टिप्पणी की और उसके कारण इस्कॉन ने उनको एक महीने के लिए बैन किया। अब इस न्यूज़ को देख के मेरे कई मित्रों ने और श्रोताओं ने मुझे ये प्रश्न पूछा कि क्या हमारे सनातन धर्म में कोई फॉर्मूला है कि अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, और उसका जवाब आज मैं इस वीडियो में देना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो मनुस्मृति में एक स्पष्ट श्लोक दिया गया है कि हमारा वे ऑफ एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, वो मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा। आप मनुस्मृति का श्लोक देखें, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातनः। अर्थात सनातन धर्म में एक्सप्रेशन देने से पहले या बोलने से पहले हमें ये देखना है कि सत्य बोलो, फिर कहा गया प्रिय बोलो, और उसके बाद का जो स्लोगन है वो अति महत्वपूर्ण है, और वो ये कहा कि अप्रिय लगे उस तरह से सत्य न बोलो। सनातन धर्म कहता है कि प्रिय लगे उस तरह से सत्य बोलना चाहिए या ट्रूथ को एक्सप्रेस करना चाहिए। अब इसी श्लोक को विस्तार से हम समझ पाए उसी लिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में एक सूत्र दिया है, और वह सूत्र ये है, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च। इस सूत्र को हम विस्तार से समझेंगे। सर्वप्रथम तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, तो उस लिस्ट में सर्वप्रथम स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा कि वह जो वाक्य है वह वाक्य अनुद्वेगकरम, अर्थात किसी को हर्ट हो उस तरह का वह वाक्य नहीं होना चाहिए। आदि शंकराचार्य जी अनुद्वेगकरम की व्याख्या देते हुए भाष्य में लिखते हैं, प्राणी नाम अदुखकरम वाक्यम, अर्थात किसी को भी दुख पहुँचे उस तरह से हमारा एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। याद रहे यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने चार चीज़ें कही, अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियम और हितम, और उसमें अनुद्वेगकरम दैट मीन्स किसी को हर्ट न पहुँचे उसको प्राथमिकता दी गई है। अब इस सोशल मीडिया के दौर में वीडियो को वायरल करने के लिए या सेंसेशनल बनाने के लिए कुछ सो कॉल इन्फ्लुएंसर्स स्पीकर्स या कोई सो कॉल संत महात्मा ट्रूथ के नाम पर उनके मन में जो भी आता है और जो मन में चाहे उस तरह के शब्दों का उपयोग करके किसी विशेष समुदाय को हर्ट करने का काम करते हैं। याद रहे सनातन परंपरा में या सनातन धर्म में इस तरह से एक्सप्रेशन देने से पाप लगता है ऐसा कहा गया है। ये जो क्रम दिया गया है श्री कृष्ण भगवान के द्वारा वह बहुत ही विचारणीय है, क्योंकि वहाँ पर यह कहा गया है कि अनुद्वेग क्रम किसी को हर्ट हो उस तरह से सत्य नहीं बोलना है। और उसके बाद में कहा गया श्री कृष्ण भगवान के द्वारा ही कि प्रिय लगे उस तरह से सत्य को बोलना चाहिए, और आखिर में ये कहा गया कि उस व्यक्ति का हित हो, उसको बेनिफिट हो, उसको लाभ हो, उस तरह से शब्दों का उपयोग करना चाहिए, उस तरह से हमें एक्सप्रेशन देना चाहिए। किसी को हर्ट न हो उसको एक्सप्रेशन में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, ये हम सबको याद रखना है। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि मैं तो सच बोल रहा हूँ, ऐसा ग्रंथों में लिखा है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, ऐसा कह कहकर किसी को चोट या किसी को हर्ट हो उस तरह से अगर हम ट्रूथ भी बोल रहे हैं तो वैसा ट्रूथ हमें नहीं बोलना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, क्योंकि उस तरह से शब्दों का उपयोग करने से हमें पाप लगता है और दूसरों को हानि भी होती है। हमें शब्दों का उपयोग शस्त्र की तरह नहीं करना है, किसी को लगे किसी को चोट पहुँचे उस तरह से शब्दों का उपयोग नहीं करना है, किसी को शांति मिले उस तरह से हमें शब्दों का उपयोग करना है। और इसी बात को समझाता हुआ एक प्रसिद्ध दोहा जो कबीर जी ने कहा है,
वह कह के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। कबीर जी ये कहते हैं कि सर्वप्रथम तो हमें हमारे शब्दों का चयन करने से पहले, एक्सप्रेशन देने से पहले, सर्वप्रथम हमारे इमोशंस को चेक करना चाहिए, हमारे थॉट्स को ध्यान में रखना चाहिए, मन को कंट्रोल में रखना चाहिए और फिर उस तरह की वाणी का उपयोग करना चाहिए और उस तरह से एक्सप्रेस करना चाहिए कि जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तब हमें भी सुख मिले और जो हमारी वाणी या हमारा एक्सप्रेशन सुन रहा है उसको भी सुख मिले। कबीर जी के इस दोहे के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। शुभम भवतु, प्रणाम।